14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। अपने इलाके में से आ गई, हमें मैकेनिक मिला और अब उसको वो जुड़ गए हैं। दरवाजा बंद है ना, भी जगह हो तो जगह बनाते कैसे हैं? ये जुगाड़ सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है। बारिश चेक करे, बारिश पाकिस्तान। हाँ जी साहब भाई, ये मैं मोबाइल घुमाऊंगा, जिसकी तरफ ये रुक गया वो बिल देगा। देखते हैं। रब्बी जाल हादल बलद आमीना, यह हमारे रब इस मुल्क को अमन वाला बना दे, तो ये हमारी दुआ है। अल्लाह करीम इस दुआ को कबूल फरमाए। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे और मज़े में होंगे। भाई जान आपको तो पता ही है, आज की खुशी तो मैं कहता हूँ आपको पता ही है। अच्छा, क्योंकि भाई जान सिर्फ आधा घंटा बाकी है 12 बजने, और 12 बजे क्या होता है? ऑब्वियसली अभी मजा आएगा ना, भिड़ो आतिशबाजी होती है, और वो तो भजन हमारे घर के बिल्कुल करीब होती है, हम अपनी छत से भी देख सकते हैं। पर मसला ये है कि छत से अगर आपको दिखा तो आपको आना मज़ा नहीं है। इसीलिए हम जाएंगे आपको दिखाने के लिए सिर्फ मीनारे पाकिस्तान, जहाँ पे हमें बहुत धक्के बचेंगे उम्मीद है। और इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए हम अपने साथ कुछ दोस्त इकट्ठे कर लेते हैं, तो दोस्त पेशे खिदमत हैं। हम जा रहे हैं जी आतिशबाजी देखने। दो मिनट रह गए, और स्पीड मेरे भाई की जो है इस टाइम आप देख रहे हैं तो 60 तक तो जा ही रहे। आई होप कि हम 2 मिनट में पहुंच जाए वहां पे। सिर्फ आप लोगों के लिए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोग। हम तो रोज देखते हैं, मतलब हर साल। आप लोगों के लिए मेरा भाई जो उससे था 12 बजे निकला है रात को, लेकिन 10 बजे के बाद भाई नहीं निकलता। हम लोग पहुंच गया, पर हमारे बाकी साथी पता नहीं किधर गायब हो गए। हम अगर आवाज पता नहीं, वो घूम गए इस रश में घूम गए। खैर हम अपना सीन एंजॉय कर रहे हैं।
11 मिनट हो गए। 11 मिनट तक हुई है यार। वेरी नाइस। बाइक ना कोई चुकी जाए, पता लगे 14 अगस्त वाले दिन बाइक चुकी गई। ले भाई जान, अम्मा भी यहाँ पे तकरीबन सारे पिछड़े हुए साथी इकट्ठे हो गए। इसको ये मेरे से वीडियो मांग रहा है क्योंकि इनकी मेमोरी फुल हो गई है। खत्म। ठीक है, एक भाई ये है शान भाई, ये पता नहीं पहले मेरे ब्लॉग में आया कि नहीं आए, पर जो भी आए इसका नाम भी शान है, ये भी शान है, इनको तो जानते ही। अब भाई जान हम दा का इंतजार हो रहा है, वो आता है तो फिर हम यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। लिबर्टी निकल रहा है उधर, क्या होना उधर, कुछ भी नहीं। मैं ये लो जी, हमजा साहब भी आ गए। हाँ जी भाई, चले चले। टाइम क्यों नहीं है? टाइम नहीं है। टाइम किस चीज का? बहुत टाइम लगेगा क्योंकि रास्ते में रश बहुत है भाई। पसीने से बुरा हाल हो गया हमारा, मिट्टी खा ली है, मास्क मैंने मंगवा लिया क्योंकि मैं हेलमेट नहीं पहन सकूंगा क्योंकि हेलमेट कर रहा है। पहले हमारा इरादा नहीं था जाने का, पर अभी बना रिसेंट, अभी अभी हर प्लान अचानक ही बना, तो अब निकलते हैं। भाईजान सिचुएशन कुछ ये बनी है कि हम लिबर्टी तक तो नहीं पहुंच सके, आधे रास्ते तक गए हैं, आगे रश काफी ज्यादा। मैं इनको कह रहा हूँ नहीं जाने का फायदा, आवाम ने मुजरा ही कर रहे होना, ये मान नहीं रहे। आप जैसे करेंगे बस। Well done. चलो मेरे ख्याल से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे जाओ। लो जी भाईजान, लिबर्टी तक तो हम तकरीबन पहुंच गए हैं, पर अब ये देखो लिबर्टी जाने के लिए तो बहुत रश है, मतलब आवाम जा रही है पर आ नहीं रही। बोले, बोले। और ये आवाम आजादी के नाम पे बाजे खरीदते हुए, हम इनमें से नहीं है। भाई जान ने भी लिया, बाजा भाई ने भी लिया और तोड़ भी लिया। भाई मरे, इसको उतार, इसको उतार, और नहीं उतार इसको, अब इसके अंदर से डाल, और इसके अंदर। जलालत प्रोग्राम शुरू हो गया, रात के 3 बजे हमारी बाइक का 3:30 बजे टायर पंचर हो गया, ये किल घुस गया अंदर, जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर बाकी भी आगे निकल गए थे, उनको कॉल किया अभी, तो वो अब वापस आ रहे हैं, तब तक हम ये किल निकालते हैं, अपने हाथों से किल निकाल रहे हैं। ये हालात हैं, और टाइम भाईजान 4 बजे का टाइम है। ले जी मुबारक हो, लंबा वाला कील बाहर आ गया। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और कील का कुछ साइज देखें, मुझे तो लगता है पूरी ट्यूब की ऐसी की तैसी फिर गई होगी भाई। चलो आ जाओ, अब ढूंढते हैं आगे कोई मिल गया। अजीर भाई तासुरात के, तासुरात मेरे, अब जलालत है फुल प्रोग्राम। भाईजान रेस्क्यू के लिए हमारी टीम आ चुकी है, ये देखें जरा, हमने अपना प्रोटोकॉल मंगा लिया। कैसी टीम है, आगे निकल गई टीम ही, आगे निकल गई हमें छोड़ के। ये एक बंदा पीछे छोड़ के मेरे पर पैदल, वाह। और ये हमारे अदील भाई, और इनका बैठने का तरीका वही है जो पहले था, बस जगह चेंज है। पहले ये उधर, अगला भी पंचर हो, पहले ये उधर बैठते। अदील भाई का फेवरेट पोज भी है,
और हम आ गए भाई के पास। टेंशन लग रहा है सर, और इसके बाद अब घर ही जाना बनता है। मैंने जो स्टेटस सबको दिया वो सब ने लगा लिया। ये बताना जरूरी था, सब ने लगा लिया, ये बताना जरूरी। मेरा बना हुआ स्टेटस पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया, पर मैं वायरल नहीं हो रहा, पता नहीं क्या पता। कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। अब भाईजान पूरे कनाल के ऊपर रात के 4 बजे भाईजान हमारा होंडा बंद हो गया। मतलब क्या हम क्या 14 अगस्त मनाएं, गरीबों की 14 अगस्त यही होती है। अब ये भाईजान इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं होती है कि ओ ओ ओ ओ अब ना एक काम करो, पेट्रोल है पटाखे बड़े फ्री मार रही है। अब ऊपर तू बैठ जाना, मैं तो कर रहा हूँ चल। वैसे ये यादगार रहेगा, हमारी हर चीज यादगार रहती है। बाइक दे गए और चाबी खुद ले गए। ये बिलाल भाई की जिंदगी। अदीर भाई क्या तासुरात है भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा इससे लालच से बेहतर पेंशन था। कम से कम लग तो जाता है ना। अब भाईजान इसका प्लग खोल के चेक करने लगे हैं, साफ करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि चल जाए दोबारा। ये हम जेल रोड पे आ गए हैं भाईजान, ईस्ट हो या वेस्ट, हमारा इलाका इज द बेस्ट। ठीक है, अपने इलाके में से आ गई, हमें मैकेनिक मिला और अब उसको वो जुड़ गए हैं। पता नहीं अब वो कोई नई कहानी सुना रहा है कि भाई बड़ा लंबा खर्चा है, ये है वो है ऐसे है वैसे है। यार वो कह रहा है इसके ना बालों में कचरा चला गया, प्रेशर नहीं बन रहा। तो अब क्या कहता है कचरा साफ करके चल जाएगा, यहाँ कहता है हेड खोलना पे। यहाँ से शुरू हुई थी हमारी कहानी और यहीं पर अब हमारी कहानी ख़त्म हो रही है। गए हम बड़े अच्छे तरीके से आ सर। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज़ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ाने ग्राम, आज 14 अगस्त 2022, आप सबको बहुत मुबारक हो। आज एक नया दिन है जिसकी शुरुआत शाम के 6 बजे होने लगी है। 5:30 हो गए हैं और ये मेरे जो लोग थे, जो बशिंदे थे, जो रातों को 6 बजे तक मेरे साथ जलील हो रहे थे, वो होश नहीं पकड़ रहे अभी तक। और ये वापडा वाले भी होश नहीं पकड़ रहे, मतलब लाइट गई हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। सुबह से लाइट गई हुई है और मैं इस डर की वजह से अंधेरे में ड्रेसिंग नहीं कर रहा कि भाई आज के दिन अगर कोई अजीब ड्रेसिंग करके मैं बाहर चला गया तो लोगों ने मुझे पाकिस्तानी मानने से इनकार कर देना। क्या क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने आज कि आज दिन में निकलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर नहीं, किसी के घर दावत है और किसी के मेहमान आ रहे हैं, किसी के घर कुछ हो रहा है। मतलब 14 अगस्त को कौन दावत रखता है भाई। ये हो गया इनका भाई प्लान चेंज, ये कह रहे थे आगे नहीं लग रहा और अब ये पीछे लगाने लगे हैं। देखो फाइनली बात ये हुई है, फाइनली हम आज रात को 10 बजे फिर निकलने लगे हैं 14 अगस्त मनाने। सारा दिन ये लोग सोए रहे हैं और अब ये उठे बाहर आ रहे हैं, इनकी दावत की वजह से हम लेट हो गए। दावत वाले अभी भी नहीं पहुंचे, दावत वाले आके पूछ रहे हैं कि कहां गए हैं हमारे लड़के। यार दूसरे रुक कर लगेगा यार,
पीछे से उड़े यार इस रूप ऐसे नहीं लंबे रूप का लगना है लंबे दा नहीं पूंज नहीं आना इधर ऊपर रख के लगा धीरे इधर इधर रख के लगा ऊपर इसने टेप उतारी है जी नाखून कितने काम आते हैं बताओ ये किस लिए उतार रहा है टेप वो शीशे लगाने के लिए लो जी रात के बज रहे हैं 10 14 अगस्त के रात के 10 बज रहे हैं और ये हमने अभी अपनी गाड़ी पे चड्डा लगा लिया क्योंकि आज हम गाड़ी पे जा रहे हैं कल हम बाइक्स पे खज्जल खवार हुए थे तो आज हम लोग गाड़ी पे जा कितने लोग रहे हैं मुझे लगता है हम फिर खज्जल ही होने जा रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः कुछ पूछा एक दो तीन चार पाँच मैं छः और एहसानुल्लाह भी आ रहा है वो साथ वालेकुम अस्सलाम फाइनली हमारे मौलवी साहब भी आ गए हैं अब बस निकलते हैं यहाँ से कैमरा मैंने रख लिया देखते हैं अगर कुछ रास्ते पे अच्छी जगह मिली तो उधर शूट कर लेंगे थोड़ा बहुत और फिर बस आज यही करना बस सारा दिन वैसे ही गया हो गया बस कल ही हमारे साथ सब कुछ हो गया था जो 14 अगस्त पे होना चाहिए था खैर कोई नहीं अब चलते हैं भजन फाइनली हम निकल गए बाहर और ये देखें ये वही शहरी वाला सीन हो गया जो शहरी का लोग रहा आपने नहीं देखा ये चेक करें बंदे थोड़े से डिफरेंट हुए हैं बस अगर इनके मेहमान हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो हम उनसे माजत चाहेंगे कि हम उनका एक कीमती खजाना लेके बाहर निकल आए ठीक है और अब ये हम ये राशि में फंस चुके हैं ये देखे आजादी चौक पे भजन यहाँ पे फुल टाइम पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और यहाँ पे बच्चों से बाजे खींची जा रहे हैं वो वैसे एक तरह से अच्छी बात है हम तंग आ गए हैं बाजियों से आपका इस बारे में क्या कहना है सबका हम बाजियों से भी तंग आ गए थाने जो भैया मुझे अपने घर जाना है अच्छा जी हम लोग भी यहाँ पे इस टाइम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक पर्पस है क्योंकि हम इस गाड़ी के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे ना ये लोग देख के बड़े लुत्फ अंदोज हो रहे थे अभी हमारा एक बसिंदा जो है वो सूसू करने चला गया उसको बड़ा इमरजेंसी आ गया था दरवाजा बंद है ना भी जगह हो तो जगह बनाते कैसे हैं ये जुगाड़ सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए अच्छा जी ये देखें हमने मौलवी साहब को आगे भेज दिया उनको क्या फ्रंट सीट पे बैठे हैं आप पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान अब्बास बेटा अच्छा जी सर मौसम इतना सीन हो गया है 15 अगस्त भी हो गई है बारिश हो रही है भाई आप अगर देखें तो फुल मतलब मैं कहता हूँ फुल टाइम बारिश हो रही है ये लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया का भी कुछ मना रहे हैं तो करेंगे इंडिया में हमारा भाई है मोदी 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 बारिश चेक करे बारिश माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद हाँ जी रील भाई जी कैमरा आपने निकाल ली है कैमरा हमने निकाल लिया अब हम बारिश भी हो रही है तो हमने कहा इसी का मौके का फ़ायदा उठाते हैं और हम जरा पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे अगर कोई अच्छी आ गई तो आपको दिखा देंगे अच्छा जी तो फाइनली हम DHA में आए हैं और यहाँ पे आकर रुके हैं तो ये सब त्यार ऐसे होने लग गया जैसे मैं इनका शूट करने लगा देखे बेस कोटे पहन रहे हैं ये इनको देखे बड़े त्यार हो गए आ रहे हैं ये देखे पर मसला ये बाहर हो रही बारिश बारिश में कैमरा मैं लेके नहीं जा रहा
मौसम इज वेरी वेरी फैबुलस। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, पर भाई मौसम वाकई बड़ा कमाल का हुआ। ये सब माहौल देख के माशाल्लाह इंजॉय करना पाकिस्तानियों से सीखा जाए। जैसे इंजॉय पाकिस्तानी करते, मेरा ख्याल है दुनिया में कोई इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं करता हूँ। अच्छा जी, बाजे बजाना बस इनके सेलिब्रेशन है। आज शान भाई की 4-5 तस्वीरें आ गए, इसलिए कह रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, वरना इनका देखने वाला होता है। शाबाश बेटा। सवा एक हो गया, अब कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, अब डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है। तो जब कुछ मिल जाएगा अच्छा खाने के लिए तो भाई हम आपको दिखा देंगे। हाँ जी साहब भाई, ये मैं मोबाइल घुमाऊंगा, जिसकी तरफ ये रुक गया वो बिल देगा। चले देखते हैं देखते हैं। या अल्लाह या अल्लाह, हाँ जी शान साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? बाकी ये भी भाईजान हम आए हैं हीरा रेस्टोरेंट में। मैं था मर जानिया रात, ये वही सड़कें हैं जिसपे अभी कुछ अर्से पहले, अर्सा क्या घंटों पहले क्या हो रहा था सामने, एक कुतलाना लगा हुआ था बिल्कुल ऐसे ही जी पापा लगी हुई थी, और आप देखे कैसे खाली हुई पड़ी है। ले भाई जान अब हम घर की तरफ रवाना है, लोग यहाँ पे एंड करते हैं, पर उससे पहले हमारे एहसान अल्लाह भाई ने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तो हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी एहसान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं पूरे पाकिस्तान को ये कहना चाहूँगा ये हमारा वतन है और बहुत कोशिशों के साथ ये लिया है, तो इस वतन को और पाकिस्तानियों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। और एक दुआ है जो कुरान पाक में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वतन के लिए मांगा करते थे, अपने शहर के लिए मांगा करते थे, रब्बी जाल हादल बलद आमिना, यह है हमारे रब इस मुल्क को अमन वाला बना दे, तो ये हमारी दुआ है, अल्लाह करीम इस दुआ को कबूल फरमाए। सब लोग एक दफ़ा आमीन कह देंगे। आमीन एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे अगली व्लॉग में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।